हेलो फ्रेंड्स मैं अंजना मित्तल आज आपको जो डिज़ाइनर गला बनाना बताऊंगी उसके लिए हमें सबसे पहले सिंपल गला बनाना होगा ये देखिए ये मैंने चार साल की बच्ची के लिए बनाया है इसमें मैंने नीचे नाइन्टी फंदे डाले हैं और इसमें मैंने ये उल्टी सिलाई वाला बॉर्डर बनाया है फिर मैंने इसमें रेड कलर का डिज़ाइन डाला है ये डिज़ाइन मैं आपको दूसरी वीडियो में बनाना बताऊँगी फिर मैंने इसमें ये रीग्लेन घटाई की है हर सिलाई में मैंने इसमें एक एक फंदा घटाया है बैक पार्ट भी हमने एकदम सेम बनाया है ये हमारी बैक है एकदम सेम रहेगी ये हमारी स्लीव्स है स्लीव्स में मैंने फोर्टी फंदे डाले थे फिर मैंने ये डिज़ाइन डाला है और बॉर्डर के बाद हर पांचवी सिलाई में मैंने यहाँ पर एक एक फंदा दोनों साइड बढ़ाया है यहाँ मैंने एट्टी फंदे कर लिए हैं स्लीव्स में और फिर मैंने उसी तरह रीगलेन घटाई करते हुए दोनों साइड एक एक फंदा घटा लिया है अब ये देखिएगा यहाँ पर हमारे ये ये देखिए यहाँ मैंने ये बटन पट्टी बनाई थी तो अब मेरे जब मैंने रीगलेन घटाई कर ली थी उसके बाद मेरे यहाँ पर ट्वेंटी वन इस पीस में है और ट्वेंटी वन इस पार्ट में है क्योंकि मैंने सेवन सेवन फंदे की बटन पट्टी भी बनाई थी ये हमने सेवन फंदे सेंटर में रखे थे और इधर के लिए हमने पीछे से फंदे उठाए थे ये हमारे हो गए हैं तो ये ट्वेंटी वन और ट्वेंटी वन है बैक में हमारे थर्टी फाइव फंदे हैं और दोनों स्लीव्स में हमारे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फंदे हैं अब हम सबसे पहले नॉर्मल गला बनाएंगे उसके लिए हम बारह नंबर की सिलाई में पहले ये फंदे उतार लेते हैं सबसे पहले मैं आगे के जो पार्ट हैं उनमें से किसी भी एक पार्ट के फंदे हम सिलाई में ले लेते हैं ये देखिए मैंने एक साइड के कोई भी एक साइड के आप ले सकते हैं मैंने एक साइड के फंदे इस सिलाई में ले लिए हैं अब इसके बाद हम इसमें एक स्लीव्स डाल लेते हैं कोई भी एक स्लीव्स डाल सकते हैं ये देखिए हमने एक पार्ट डाला था एक स्लीव्स डाली है अब हम इसमें ये बैक वाला पीस पीछे का पीस डाल लेते हैं इसको भी मैं डाल लेती ये देखिए मैंने बैक का पीस डाल लिया है अब हम इसमें लास्ट में ये इधर सॉरी लास्ट नहीं है अभी इसमें मैं अब ये दूसरी स्लीव्स डाल लेती हूँ ये देखिए सबसे पहले हमने एक पार्ट डाला था कोई भी फिर एक स्लीव्स फिर बैक का पार्ट फिर दूसरी स्लीव्स अब जो आगे का हमारा दूसरा पार्ट बचा है ये वाला अब हम ये वाला पार्ट भी ऐसे इसी में डाल लेते हैं ये देखिए इस तरह से सारे पीस हमारे इस वाली सलाई में आ गए हैं अब हम उल्टी उल्टी सलाई का गला बनाएंगे ये हमारे पास टोटल 127 फंदे हैं बट हमें गला बनाने के लिए 100 फंदे चाहिए तो 27 फंदे अब हम यहाँ पर घटा देते हैं फंदे घटाने के लिए पूरा गला हम बारह नंबर की सिलाई में बनाएंगे ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये बारह नंबर की सिलाई में बनाएंगे पूरा गला हम और उसके लिए हमें हर तीन फंदे के बाद दो का एक करना होगा इस तरह से अब मैं ये पूरा गला बना लेती हूँ बारह सिलाई का हमारा गला बनेगा ये देखो पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे ऐसे और अब हम यहाँ पर एक एक फंदा उतार लिया है दो और एक तीन ये एक दो तीन हो गए हर तीन फंदों के बाद हमें ऐसे दो का एक करना पड़ेगा ताकि ये हमारे हंड्रेड फंदे रह जाएं और फिर हमें इन्हें टाइट टाइट गला बनाएंगे उसके बाद हम अपना इसमें जो कॉलर बनाया वो बनाएंगे ये देखिए इस तरह से हर तीन के बाद हमें दो का एक करना है ये हमारे पास एक सौ सत्ताईस फंदे हैं वन ट्वेंटी सेवन फिर हमारे पास ये हंड्रेड रह जाएंगे और बारह सलाई का हम इसमें गला बना लेते हैं ये देखिए फ्रेंड्स हमारा कितना सुंदर नेक तैयार हो गया है अब हम इसमें जो हमें ऊपर कॉलर बनाना है ये इस तरह गला बना लिया अब जो हमें कॉलर बनाना है अब हम कॉलर के लिए फंदे उठाएंगे और फंदे मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देती हूँ ये देखिए ये जो दोनों बटन पट्टी है ये बटन पट्टी हम छोड़ देंगे और हम फंदे यहाँ से उठाएंगे जितनी फंदे हमने गला हंड्रेड फंदे का बुना था तो अब हमें यहाँ से लेके ऐसे घुमाते हुए और यहाँ तक हंड्रेड फंदे उठाने हैं फंदे कैसे उठाने हैं वो देखिए फंदे हमें ऐसे उठाने हैं दो तीन चार हम इस तरह से ये चारों तरफ के फंदे उठा लेते हैं ये देखिए ये हमने फंदे उठा लिए हैं इधर भी बटन पट्टी छोड़ दी है और इधर भी बटन पट्टी छोड़ दी है अब ये हमारे एट्टी सिक्स फंदे उठे हैं ये हमारे एट्टी सिक्स फंदे अब हम इन फंदों को बढ़ा लेते हैं इधर हमारा सीधा रहेगा और इधर उल्टा रहेगा अब इसमें भी हम फिर से साइड में पट्टी बनाएंगे इसमें हम सेवन सेवन फंदों की इसी तरह जैसे हमने ये बनाई थी इस बार फिर से हम सिक्स फंदों की बना लेते हैं सेवन की नहीं हम सिक्स फंदे की उल्टी उल्टी पट्टी बनाएंगे एक दो यहाँ हम फंदे हमारे ये एट्टी सिक्स हैं बट ये हमें ए, एक सौ फंदे करनी हैं सो या एक सौ चार एक सौ चार कर लेते हैं तो हम ये 104 बनानी है तो इसमें में 18 फंदे मुझे यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे तो पहले मैं एक दो ये धागा हम पीछे ले जाएंगे जो हमारा एक्स्ट्रा है ये वाला ऐसे यहाँ इस फंदे को हम बढ़ाएंगे बीच बीच में है क्योंकि हमें अट्ठारह फंदे बढ़ाने हैं ये देखिए ऐसे एक के दो कर लिए एक दो तीन चार पाँच और एक ये मैंने छः फंदे उल्टे कर लिए हैं अब हम धागा इधर ले जाएंगे और यहाँ पर एक यहाँ फिर फंदा बढ़ाएंगे हर पाँच हर चार या पांच फंदे के बाद हम एक फंदा बढ़ा लेंगे ये देखिए हमने एक और बढ़ा लिया है एक दो तीन चार पाँच छ अब फिर बढ़ा लेंगे हम सात इसी फंदे को दोबारा ऐसे करके ऐसे लेंगे आठ इस तरह से हम पंद्रह फंदे बुनेंगे एक दो दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और एक पंद्रह अब हमें इन फंदों को डिवाइड करना है मैं बता देती हूँ कैसे ये फ्रंट का पार्ट है इसमें फिफ्टीन फंदे करेंगे और ये फिर फ्रंट का पार्ट है इसमें भी फिफ्टीन करेंगे बैक में थर्टी फंदे रखेंगे और ये स्लीव्स में ये एक इधर की स्लीव्स है और एक इधर की इसके ऊपर हम ट्वेंटी ट्वेंटी फंदे रखेंगे तो फ्रंट का पार्ट हमारा हो गया है ये देखो यहाँ हम सिलाई पर आ गए हैं अब हम यहाँ पर दो जाली डालेंगे धागा आगे करेंगे और ऐसे एक जाली फिर धागा आगे करेंगे और एक जाली ये देखिए इस तरह से अब इस फंदे को भी गिनेंगे एक दो तीन यहाँ फंदा बढ़ा लेंगे चार पाँच छ सात आठ फिर फंदा बढ़ाएंगे नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह फिर फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे करके बढ़ा लेते हैं पंद्रह सोलह ये देखिए अभी हमें सिलाई में आने में थोड़ी दूर है सत्रह अठारह इस फंदे को ऐसे करके बना ले बढ़ा लेते हैं क्योंकि हम सिलाई पर आ गए हैं उन्नीस और एक बीस ये देखिए यहाँ हमारी सिलाई आ गई है यहाँ हम फिर से दो जाली बनाएंगे एक फिर धागा आगे करेंगे और एक अब हम इसी तरह यहाँ से लेके और यहाँ हमारी सिलाई आएगी ये देखो यहाँ यहाँ तक हम तीस फंदे बुन लेते हैं बीच में हम फंदे बढ़ाते रहेंगे ये देखिए ये हमारे थर्टी फंदे हो गए हैं अब हम यहाँ पर देखो फिर से सिलाई पर आ गए हैं अब हम फिर यहाँ पर दो जाली डालेंगे धागा आगे करेंगे और यहाँ पर हम फिर से एक जाली फिर धागा आगे किया एक जाली अब हमें यहाँ से और इस जाली तक हम फंदे भी गिन सकते हैं हमारे पास दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह सत्रह हैं तो हमें इसके बीच में तीन फंदे बढ़ानी हैं तो हम यहाँ से यहाँ तक बीस फंदे कर लेते हैं ये देखिए हमारे इसमें ट्वेंटी फंदे हो गए हैं स्लीव्स में अब हम धागा आगे ले के फिर से यहाँ पर दो जाली एक जाली और एक और जाली डाल लेते हैं एक फंदा बुन लिया है पंद्रह होने चाहिए दो चार छः आठ दस बारह एक ही तेरह तो यहाँ पर भी हमें दो फंदे बढ़ाने ये देखिए ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है अब हम अपनी उल्टी सिलाई बनाएंगे बिल्कुल सिंपल पूरी सिलाई उल्टी रहेगी ये देखिए हमारी उल्टी सिलाई ये कंप्लीट हो गई है अब हम फिर से सीधी सिलाई पर आ गए हैं सबसे पहले हम अपने छः फंदे उल्टे बनाएंगे जो हमने शुरू में बनाए थे पहला उतार लेते हैं दो तीन चार पाँच और एक छः अब हम धागा पीछे करेंगे ये देखिए हमारी जाली कहाँ है जाली हमारी यहाँ पर है हम जाली तक फंदे बुन लेते हैं पिछली बार ये हमारे फ़िफ्टीन थे इस बार ये हमारे सिक्सटीन हो जाएंगे छः ये थे सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और एक सोलह ये देखो हम जाली पर आ गए हैं धागा आगे करेंगे और यहाँ पर फिर से हम दो जाली हर बार हमें दो जाली डालनी है ऐसे अब ये जो हमारे बीस फंदे थे देखो इसमें हमें जाली कहाँ नज़र आ रही है यहाँ नज़र आ रही है ये रही अब हम यहाँ तक जैसे पहले ये हमारे ट्वेंटी फंदे थे इस बार ये हमारे ट्वेंटी टू फंदे हो जाएंगे देखो मैं बुन लेती हूँ एक हो गया अब मैं ये ट्वेंटी टू फंदे बुन ली ये देखिए मैंने ट्वेंटी टू फंदे बुन ली हम जाली पर आ गए हैं फिर से हम धागा आगे करेंगे और ऐसे एक जाली और दो जाली इसी तरह हम पूरा ये बनाते जाएंगे और फिर हम अपना छः सिलाई आठ सिलाई बनाने के बाद हम अपना रेड कलर का सेम नीचे वाला यही वाला पैटर्न डालेंगे जाली हमारी तब भी सेम रहेगी बस हमारे हर बार फंदे ये बढ़ते जाएंगे ध्यान रखिए शुरू के पार्ट में और लास्ट के पार्ट में केवल एक एक फंदा बढ़ेगा और बाकी दोनों स्लीव्स वाले में और बैक वाले पार्ट में हर सिलाई में दो दो फंदे बढ़ेंगे जैसे ये हमारे पिछली सिलाई में फिफ्टीन थे इस बार सिक्सटीन हो गई हैं फिर सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ऐसे बढ़ते जाएंगे और हमें जितना भी बड़ा कॉलर बनाना है मेरे को पाँच इंच का कॉलर बनाना है तो मैं इसको पाँच इंच पाँच इंच जितना बनाऊंगी आप बड़ा या छोटा कितना भी कॉलर बना सकती हैं तो अब मैं इस कॉलर को तैयार कर लेती हूँ डिज़ाइन पैटर्न में कॉलर में भी सेम डालूंगी देखिए फ्रेंड्स ये हमारा इतना कॉलर कंप्लीट हो गया है आप इसे जितना चाहें कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा बना सकती हैं मैंने ये जैसे मैं तीन चार साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ तो इतना बड़ा बनाया है ये देखो मैंने इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह मैंने इसमें सिक्सटीन जालियाँ डाली हैं आप चाहें तो अगर बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसमें जालियाँ बढ़ा सकते हैं उसके बाद इसमें मैंने ये वाइट कलर की किनारी की है ये मैंने उल्टी उल्टी धारियों की की है और इसमें मैंने जाली नहीं बनाई है ये देखो इस तरह से ये हमारा कॉलर कंप्लीट हो गया है चारों तरफ का अभी ये थोड़ा मुड़ रहा है मैं इसमें क्रोशिए की किनारी बनाऊंगी तब ये ठीक हो जाएगा अब हम इन फंदों को घटा देते हैं देखो कैसे घटाएंगे वो आप देख लीजिएगा ये ऐसे फंदे हमें बहुत अधिक ढीले घटाने हैं लूज़ घटाएंगे तो ये हमारा मुड़ेगा नहीं ये देखो अदरवाइज़ तो ये ऐसे इस तरह से ये हमें हर फंदा लूज लूज़ घटाना है इसको हमें धागे को खींचना नहीं है ऐसे सारे फंदे हमें इसी तरह काफ़ी लूज़ घटानी है मैं ये सारे फंदे घटा लेती ये देखिए हमारे कॉलर की शेप कितनी ज़्यादा सुंदर आई है अगर हम इसको पूरा भी आपको खोलकर दिखाते हैं तो ये देख लीजिएगा ये मैं आपको पूरा खोल कर दिखा रही हूँ ये देखिए हमारा कॉलर बहुत सुंदर बना है अभी हम इसमें क्रोशिए की किनारी बनाएंगे तो ये देखो इस तरह से ये हमारा पूरा कॉलर बन गया है और बैक में हमारा इस तरह से बना है ये ये हमारा पूरा कॉलर बन गया है ये देखो बहुत सुंदर शेप आई है बहुत प्यारा लग रहा है और अब मैं इसमें क्रोशिए की किनारी कैसे बनेगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखिए क्रोशिए की जो किनारी बनाएंगे वो हम इस साइड बनाएंगे राइट साइड में जैसे ये कॉलर हमारा दोनों साइड है ये लेफ्ट का है ये राइट का तो राइट साइड में बनाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने पहले फंदे उठाए थे हम यहाँ पर ऐसे क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से किनारी बनाएंगे आपको जो भी क्रोशिये की लेस आती हो आप कोई भी बना सकते हैं मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बनाकर दिखा रही हूँ ये देखिए और इस क, इस कॉलर में आपको कोई फंदों का भी मेज़रमेंट नहीं रखना है क्योंकि जाली के हिसाब से जितने फंदे बढ़ेंगे आप उतने ही फंदों का कॉलर बना सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लंबा कॉलर बनाना है तो आप लंबा बना सकते हैं और इससे भी छोटा चाहें तो छोटा बना सकते हैं ये देखो ऐसे पहले हम ऐसे चार चेन बनाएंगे चार चेन बनाने के बाद हम इसी में इस, देखो ये है तो इसके ऐसे फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे और इस तरह से निकाल देंगे सारा सिंगल क्रोशिया होगा ये अब हम इसमें फिर से चार चेन बनाएंगे एक दो तीन और एक चार ये मैंने चार चेन बनाई और इसको यहाँ पर लगा दिया ये देखो अब फिर चार चेन बनाएंगे एक दो तीन और एक चार और ये चार चेन बनाने के बाद हम इसके अंदर ऐसे डालेंगे इसको ऐसे और ये ऐसे फिर चार चेन बनाएंगे एक दो तीन चार और फिर इसको ऐसे ही ऐसे सिंगल क्रोशिए से लगा देंगे फिर चार चेन बनाएंगे और ये बनाएंगे इस तरह से मैं पूरे में यहाँ से लेकर पूरा घुमाऊंगी और यहाँ तक इसमें लेस बना लेती हूँ ये देखिए इस तरह से ये हमने क्रोशिया की किनारी भी बना ली है और इस तरह से ये इतना सुंदर कॉलर हमारा बनकर तैयार हो गया है ये हमारा देखो ये बैक है कितना प्यारा बन रहा है और ये हमारा फ्रंट है ये वाला डिज़ाइन ये जो इसके अंदर मैंने डिज़ाइन डाला है ये देखिए ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बता चुकी हूँ आप मैं इसका लिंक उसका लिंक इसमें शेयर कर दूँगी उसके अकॉर्डिंग आप ये डिज़ाइन बना सकती हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे